हेलो एवरीवन वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को बिन बताए बस ये चार चैनल ओपन कर लेना उसके बाद आपको किसी से राय मशवरा सलाह लेने की जरूरत नहीं है वो कौन कौन से चैनल है सीधा मेरे के चलता हूं क्योंकि मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता मैंने सीक्रेट लिखा है सीक्रेट का मतलब ये है कि एक वो सीक्रेट वो होता है जो दुनिया को पता है कोई ओपन नहीं कर रहा बस सब टाइम पास कर रहे हैं कौन खोल रहा है सबसे पहला चैनल है शॉर्ट्स क्यों शॉर्ट्स चैनल ओपन करना चाहिए इसके पीछे रीजन ये है यूट्यूब ने अभी 2022 चल रहा है शायद 2023 में आ जाए यूट्यूब ने साफ बोला है कि 2023 में जो एड रेवेन्यू जो आप ये यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसे देख रहे हैं यहां पे एक फीड आएगा जिस पे ऐड आएगा वो ऐड का पैसा सारे शॉर्ट्स क्रिएटर को दिया जाएगा ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है कोई भगवान नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे के साथ वहाँ बन करके बैठे रहेंगे बोलेंगे सब क्या एक जैसा नहीं जी इंस्टाग्राम फेसबुक और टिकटॉक वालों ने बजा रखी है पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब का और यूट्यूब डर के मारे ये सब चीजों पर रोल आउट कर रहा है तो ये जो पैसा मिलेगा वो शॉर्ट्स वालों को मिलेगा कुछ भी मत करो जिस भी प्रोफेशन से हो रहे हैं यार शॉर्ट्स बनाना वाकई बहुत आसान है पॉइंट पॉइंटर्स में लेना शुरू कर दो पॉइंटर्स में कैसे ये पांच चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं जैसे सुबह उठ के ब्रश करना जिम जाना रात को अच्छे से सोना मम्मी पापा का ख्याल रखना पढ़ाई में लगाना अगर आप ये चीज करते हैं आपकी लाइफ बदल जाएगी लोग पता है क्यों बार बार देखते हैं लोग ये नहीं देखते हैं कि पांच चीजों को इंप्लीमेंट करूंगा लेते पांच पॉइंट बताए क्या सेव करके रख लेता हूं दिस इज रियलिटी इंस्टाग्राम पे जो अच्छे पेज है ना वो पेज की वजह से ग्रो नहीं होते वो डिजाइन की वजह से ग्रो होते हैं मेरे भाई अगर आप बनाना चाहो तो बना लेना पहला चैनल है वो है शॉर्ट्स का चैनल दूसरे चैनल की मैं अगर बात करूं तो वो है लॉन्ग वीडियो सीईओस तीसरा है पर्सनल ब्लॉग चौथा है वर्किंग विद टीम चलिए जी डिटेल में इसको समझते हैं मेरे पास मेरा वो जादुई यंत्र कहाँ है ये रहा हमारा वो जादुई यंत्र चलिए जी नेक्स्ट पहला आता है शॉर्ट्स का पॉइंट शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया क्या क्या चैनल्स बना सकते हैं मैंने बताया तरीका क्या है पहला है आप ले सकते हैं पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड लोगों को बताने लखिए सेल्फ हेल्प रिलेटेड लोगों को बताने लखिए सेल्फ हेल्प रिलेटेड बताइए तीसरा स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप ज्ञान बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप शॉर्ट्स बना सकते हैं ईजिल बना सकते हैं दे सेवरल टॉपिक सीईडी डी वो आप क्या करिए यूट्यूबर्स को देखिए कि वो क्या बना रहे हैं और सेम टॉपिक पे खुद की रिसर्च करके खुद का वीडियो बनाना शुरू करिए तो पहला मैंने शॉर्ट्स आपको पहले भी बताया दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है लॉन्ग वीडियो का अगर मैं लॉन्ग वीडियो की बात करूं तो मैंने लॉन्ग वीडियो के ऊपर वीमे क्रिएटर पे या महात्मा जी टेक्निकल पे 50 निश के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से निश पे जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से मैंने बताया था प्रॉपर्टी ब्लॉग कुकिंग चैनल डिजिटल मार्केटिंग फिटनेस प्रोडक्ट स्पोर्ट्स चैरिटी उसके बाद मैंने बताया था मोटो ब्लॉग देव सो मेनी अलग अलग नेश मैंने पर्सनल फाइनेंस भी दिया मैंने शेयर मार्केट भी दिया टेक्निकल एनालिसिस भी दिया मैंने केस स्टडी भी बताई बहुत सारे टॉपिक बताए जिसपे आप वीडियोज बना सकते हैं लॉन्ग वीडियोज में और बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है यार इतना चैनल बना ही लो डेली का अगर आप डे शूट भी करोगे ना लोग वो भी देखना पसंद करते हैं भारत है हर टाइप की ऑडियंस है मैं आपको बता दू उसके बाद है पर्सनल ब्लॉग आप वो चीज बना रहे हो एक छोटा सा पर्सनल ब्लॉग बना लो क्योंकि हम डिजिटल क्रिएटर है यार हम दिन भर वीडियोज में रहना चाहते हैं कैमरा है आस पास गैले से ग्रेड रहते हैं पर्सनल ब्लॉग शूट कर दो देखो शॉर्ट्स रील हो गई चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो गया चैनल नेम देख लीजिए फ्लाइंग सौरभ जोशी मुंबई का निखिल ध्रुव राठी का हो गया गौरव लाइक चौधरी का अपना एक पर्सनल ब्लॉग है हर क्रिएटर का अपना एक पर्सनल ब्लॉग है आपको लगता है कि मैं पता नहीं क्या ऐसी क्रिएटिविटी कर दू जिससे लोग देखें ऐसा कुछ नहीं है लोग बस आपको देखना चाहते हैं अगर आप दुबई चले गए तो लोग ज्यादा देखेंगे बस इतना ही फर्क है लेकिन लोग देखेंगे जरूर अगर आपने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो उसके बाद चौथे नंबर में बोलता हूं वर्क विद टीम एक ऐसा चैनल ओपन करो जो कि आपको बिना आपके काम किए पैसा बना के दे क्योंकि जब आप पॉपुलर होने लगते हैं यूट्यूब पे बहुत लोग से लोग आपसे जुड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल फैक्ट का चैनल बनाइए आज मैं आपको बताता हूं मेरी खुद की एक टीम है पूरी जो ऑनलाइन वर्क करती है मेरे लिए मैं उनसे क्या काम करता हूं सबसे पहला काम करता हूँ कंटेंट राइटर से कंटेंट कहोगे तो जीसी डिबेट दिखाऊंगा ऐसा पूरा उसके बाद वॉइस ओवर से वॉइस ओवर लिखवाता हूँ वीडियो एडिटर से वीडियो एडिट कराई थंबनेल से थंबनेल बनाया और चैनल पे अपलोड कर दिया जी हाँ ये है सिंपल एक कहानी जैसे हम पैसा बनाते हैं बहुत आसान तरीका है अगर आप ये सब काम कर पाते ऑटोमेशन मोड में चला जाएगा एक टाइम के बाद इन सब के लिए एक बंदा मैनेज कर दीजिए मैं मानता हूं कि यहां से अगर आपकी सौ रुपए रेवेन्यू आएगी तो सत्तर रुपए खर्च हो जाएगा लेकिन ये तीस रुपए आपके ना बिल्कुल सूखे पैसे हैं जहां एक परसेंट भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और पैसा बनता रहेगा सिंपल मैंने आपसे बताया चौथे नंबर पर मैंने आपको दिया वर्क विद टीम तीसरे नंबर है प्रश्न बॉग दूसरे नंबर लॉन्ग वीडियो पहली वीडियो पर शॉर्ट्स अब बात करते हैं क्या मैं इन सबसे पैसा बना पा रहा हूं हां जी आ जाइए शॉर्ट्स मैंने इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक करिए कई ऐसे शॉर्ट्स बनाए क्यों इंस्टाग्राम वाले पैसा देते थे अब तो बोनस भी आने वाला है आपको पता है कई लोगों के चैनल पे तो आ चुका है ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो से मुझे पैसे मिल रहे हैं जी हाँ आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इससे मुझे पैसे मिल रहे हैं और इसके पीछे जितने भी विवेक में वीडियो बनाई होगी उससे पैसा बना है पर्सनल ब्लॉग मैंने कई वीडियो पर्सनल चैनल पे बनाया बट अभी तक पर्सनल अपना ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं बिजनेस मैनेजमेंट में खुद इन्वॉल्व रहता हूँ उसके बाद वर्क वर्कवी टीम बिल्कुल सर जी हमारे पास चालीस लोगों की टीम है जो आज खुद ही सारा काम करते हैं और पैसा बनाते हैं और वो पैसा मेरा सूखा बचता है भले थोड़ा कम आता है ये वो तरीके हैं ज्यादा मत करना बस सीक्रेटली चुपके से घर बैठे ये चैनल बना लेना कि देखना फिर क्या होता है सब्र करना लगे रहना एक साल बाद देखना इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर ये चैनल पे काम करना चाहते हो तो मेरे भाई साहब यही एक तरीका है बहुत आसानी से अच्छा पैसा बनाने का और आई होप आप में से बहुत सारे लोग ये काम करेंगे भी थैंक यू सो मच गाइस कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट ही इस चैनल को बड़ा बनाएगा बहुत से लोगों के चैनल में बहुत व्यूज आते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यूज क्यों नहीं आते हैं आप बताइए क्यों क्योंकि हम एक राइट कंटेंट, राइट स्ट्रेटजी के साथ जानते हैं हवाबाजी नहीं करते हवाबाजी सिर्फ कुछ दिनों की होती है राइट कंटेंट सात सालों से चला आ रहा है जो हम करते हुए आ रहे हैं आपके सर थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बस इंस्टाग्राम पे आइए और फॉलो करिए पर्सनल चीजें वहां भी देखने को मिलेंगी धन्यवाद